दोस्तों देखिए, ये है श्याम कुंड और यहाँ जो लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ लोग आके नहाते हैं और नहीं तो हाथ पैर धो लेंगे और यहाँ अक्सर लोग आते हैं ज़्यादातर। एक और कुंड है श्याम कुंड, वहाँ प्राचीन है तो दूसरी साइड में है। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, तो लोग पैदल चल के आते यहाँ आएंगे, थोड़े आराम करेंगे, फिर हाथ पैर धोएंगे, फिर मंदिर की तरफ जाएंगे श्याम जी के दर्शन करने। अरे गहरा है, मैं ऊपर से खड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद पारिश से उस पर मैं आपको चलता हूँ नीचे लेकर के। दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं इसमें उतरने के लिए, कोई साइड से कोई साइड से। जो लोग आते हैं हाथ पैर धोएंगे, जिसको इच्छा होती है नहा भी लेते हैं। अरे कितने लोग हैं यहाँ पे, एकदम गोलाकार बना है, इतना बढ़िया लगता है देखने में श्याम कुंड। अब कभी जाना श्याम जी के दर्शन करने खाटू श्याम जी का तो यहाँ जरूर आइएगा, नहाने के बाद बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ आएंगे तो शुरुआत में ही आपको वहाँ पानी मिलेगा रास्ते में, हाथ पैर धो लेता फिर आता है, क्योंकि गंदा पैर लेकर आप इसमें नहीं जा सकते, इसीलिए वह धुलने के लिए पैर पानी आगे लगाया कि मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। तो ये लोग अपने शरीर पर छिड़क रहे पानी को, नहा लायक पानी इसमें कम है तो नहाता नहीं कोई बार पानी शरीर में, छो से नहा धोवा के लोग घर से ही आते हैं। और नहाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई, साइड में नल वल लग रहे हैं, बाथरूम वाथरूम बनी है, उसमें लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग है नहाने लायक। यहाँ तो लोग आते हैं बस वैसे पानी शरीर को छेड़ते हैं शुरू होने के लिए।